हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लेक्चर 5 इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यूज का। एंड अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, दैट इज लेक्चर नंबर 4, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिंक इसका विजिबल हो जाएगा, या फिर जो प्लेलिस्ट हमने ऐड की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंश्योरेंस अवेयरनेस की, वहाँ पे भी आपको सारे इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, IBAI वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी अंडर द सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। इन IBAI वॉट डज बी स्टैंड फॉर। सो IBAI का फुल फॉर्म आपका होता है इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए इसे, इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेयर बी स्टैंड्स फॉर ब्रोकर्स। ठीक है, अब IBAI की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, 2001 में 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई 2001 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि जो IRDAI है, IRDAI ने एक यहाँ पे रेगुलेशन फ्रेम की थी, इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशन, जिसका नाम था, ठीक है, इंश्योरेंस ब्रोकर्स रेगुलेशन 2002। ये किसने फ्रेम की थी, ये फ्रेम की थी IRDAI ने, और इसके तहत क्या क्या कहा गया था, दैट इज जो लाइसेंस ब्रोकर है इनको मैंडेटरी है मेंबर होना IBAI का। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, दैट इज IBAI का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई में। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द मुंबई, महाराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज AIC का यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी आपकी 2002 में। ठीक है, एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 20 दिसंबर 2002 को एस्टैब्लिशमेंट की गई थी AIC की, और AIC आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है जो फार्मर्स को जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग उनकी फसल के। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आपके AIC के, तो इनका नाम क्या है, गिरिजा सुब्रमण्यन। क्या नाम है, गिरिजा सुब्रमण्यन। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश क्लेम्स टू बिकम इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू ऑफर अ कैशबैक वाया एन एड ऑन फॉर प्राइवेट कार इंश्योरेंस पॉलिसी। सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोटेक जनरल इंश्योरेंस ने ये क्लेम किया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है सुरेश अग्रवाल। और एस्टैब्लिशमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो 2015 में एस्टैब्लिश की गई थी आपके कोटक जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द LIC, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज इट्स डैश परसेंट स्टेक इन टेक महिंद्रा लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कितना परसेंट स्टेक इंक्रीज किया गया है टेक महिंद्रा में, तो आंसर आपका है 6.748% का स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया गया है बाय द LIC। अब LIC का स्लोगन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे इसका स्लोगन क्या है, योगक सहमम वहामयम, जिसका मतलब क्या होता है, योर वेलफेयर इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका स्लोगन पर भी बन जाता है। ठीक है, अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है आपका LIC का, तो इनका नाम है MR कुमार। ठीक है, हेडक्वार्टर आप सभी को पता है मुंबई में लोकेटेड है LIC का। ठीक है, नेक्स्ट है द रिटन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट मे इंक्लूड ऑल क्लॉजेस राइडर्स एंड एंडोर्समेंट, इट इज कॉल्ड एज, तो इस टाइप के आपके कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, तो वी कॉल इट अ पॉलिसी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज एन एनवायरमेंट वेयर इंश्योरेंस इज प्लेंटीफुल एंड सोल्ड एट अ लोअर कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज बायर्स मार्केट, इज कॉल्ड डैश। तो इस टाइप के हम एनवायरमेंट को क्या बोलते हैं, जहाँ पे इंश्योरेंस जो है बहुत सारे हैं एंड इन्हें सोल्ड किया जाता है या इन्हें सेल किया जाता है लोअर कॉस्ट में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, इस टाइप के मार्केट को हम बोलते हैं सॉफ्ट मार्केट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज साइन एन अग्रीमेंट टू एक्वायर 10% स्टेक इन जॉइंट वेंचर ऑफ IOCL एंड CPCL इन November 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, 10% स्टेक कौन सी कंपनी ने लिया है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने 10% स्टेक यहाँ पे 10% स्टेक के लिए अग्रीमेंट साइन किया था, किसके साथ, IOCL एंड CPCL के जॉइंट वेंचर के साथ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट SBI लाइफ इंश्योरेंस के, तो इनका नाम है महेश कुमार शर्मा। ठीक है, महेश कुमार शर्मा। ठीक है,
एस्टैब्लिशमेंट कब की गई थी आपकी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की, तो 2001 में, ठीक है, 2001 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। और हेडक्वार्टर अगर बात करी जाए तो हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका है, रिसेंटली नवंबर तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ, कंपनीज है जिसके साथ तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक ने जो है बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप की थी इन मंथ ऑफ नवंबर। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, दैट इज चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों के साथ ही यहाँ पे बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की गई है तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब की गई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपके मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है आपका 2001, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन दी चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आपके, इनका नाम है वी सूर्य नारायणा, क्या नाम है, वी सूर्य नारायणा, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस फर्म हैज इंट्रोड्यूस पॉलिसी फॉर आउट पेशेंट एक्सपेंसिस विद वन ईयर टर्म, सो कौन से इनमें से कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी जिसने इस टाइप का टर्म जो है पॉलिसी जो है वो रिलीज की है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने इस पॉलिसी को जो है रिलीज किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में, और इसे इस्टैब्लिश किया गया था 2006 में, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है आपका स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस का, 2006। अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो एमडी कौन है इसके, वेंकटा स्वामी जगन्नाथन, क्या नाम है इनका, वेंकटा स्वामी जगन्नाथन, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिक्रीज इट्स स्टेक इन भारत बिजली लिमिटेड फ्रॉम 6.695% टू डैश ऑफ अ पेड अप कैपिटल, सो कितने परसेंट यहाँ पे जो है इन्होंने जो स्टेक है वो कम किए हैं, पहले कितने थे ये 6.695%, अब इसे डिक्रीज करके 4.54% यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है द न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान हैज बीन लॉन्च बाय विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज, सो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इस टाइप के प्लान को न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान जो है वो लॉन्च किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस प्लान को जो है लॉन्च किया था इन 2015, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कंपेयर टू द प्रीमियम फॉर अ होल लाइफ प्लान द प्रीमियम फॉर एंडोमेंट प्लान विल बी डैश फॉर द सेम एज, सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एंडोमेंट प्लान की जो प्रीमियम्स होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल लाइफ प्लान। जो होल लाइफ प्लान होते हैं इसमें आपका बेसिकली जो डेथ बेनिफिट कवर होते हैं वो भी इंक्लूडेड किए जाते हैं, ठीक है। वेरियस जो एंडोमेंट प्लान होते हैं वो आपके 10-20 इयर्स के जो प्लान होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है प्रीमियम्स आपके ज्यादा होते हैं, आपको प्रीमियम्स जो होते हैं वो ज्यादा अमाउंट के पे करने होते हैं एज कम्पेयर टू होल लाइफ प्लान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट लॉन्च एक्टिव फिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यंग एंड हेल्थी अडल्ट, सो कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है एक्टिव फिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है मुंबई में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है ये मुंबई में, और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है मयंक बथवाल, ठीक है। और अगर हम एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 2015 में एस्टैब्लिश की गई थी आपकी कंपनी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंश्योर इंडिया कैंपेन दैट इज एम्ड एट एडुकेटिंग इंडियंस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट कैटेगरी, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इस कैंपेन को लॉन्च किया था HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने, तो आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस को एस्टैब्लिश किया गया था 2000 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है अगेन मुंबई में, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट सीईओ कौन है इसके, सीईओ आपकी है विभा पदलकर, ठीक है, क्या नाम है इनका, विभा पदलकर, फाइन। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।